नमस्कार, मैं गौरव जोशी श्रीमती मोहरी देवी तापड़िया गर्ल्स कॉलेज जसवंतगढ़ के इस यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत करता हूं। हम पढ़ रहे थे वेतन, और वेतन के अंतर्गत हम पढ़ रहे हैं अनुलाभ। अनुलाभों में सबसे पहले हम पढ़ रहे हैं सभी कर्मचारियों के लिए करियर के अनुलाभ। जैसे कि हमने बात की थी, अनुलाभ का मतलब है कि नियोक्ता द्वारा कर्मचारी को दी गई कोई वस्तु या सुविधा अनुलाभ मानी जाती है। और इनमें से हमने पिछली क्लास में किराया मुफ्त रहने के मकान की सुविधा का मूल्यांकन पढ़ लिया था। आज हम बाकी अनुलाभों के बारे में बात करेंगे। दूसरा है जो अनुलाभ सभी कर्मचारियों के लिए करयोग्य है, उनमें दूसरा है नियोक्ता द्वारा कर्मचारी के दायित्वों का भुगतान। अगर नियोक्ता द्वारा कर्मचारी के दायित्वों का भुगतान कर दिया जाता है तो वो जो भुगतान की गई राशि है वो अनुलाभ माना जाएगा। ऐसे दायित्वों का भुगतान अगर नियोक्ता भुगतान नहीं करता तो उन दायित्वों का भुगतान कर्मचारी को करना पड़ता। तो अगर कर्मचारी के दायित्वों का भुगतान नियोक्ता ने कर दिया है तो भुगतान की राशि सुविधा का मूल्य माना जाएगा, अनुलाभ माना जाएगा। उदाहरण के लिए अगर जैसे कर्मचारी के बिजली पानी के बिलों का भुगतान अगर बिजली पानी का कनेक्शन कर्मचारी के नाम से है और या फिर बिल जो है वो कर्मचारी के नाम से है और ऐसे बिल का भुगतान नियोक्ता ने कर दिया हो, दूसरा कर्मचारी के आयकर का भुगतान, अगर कर्मचारी के द्वारा चुकाया जाने वाला आयकर का भुगतान अगर नियोक्ता ने कर दिया है तो वो कर्मचारी के दायित्वों का भुगतान के अंतर्गत शामिल होता है और अनुलाभ माना जाएगा, और जितने राशि का भुगतान किया है वो वेतन की करयोग्य आय में जोड़ दिया जाता है। तीसरा, जैसे मान लीजिए कर्मचारी के बच्चों की शिक्षा व्यय का भुगतान, अगर कर्मचारी के बच्चे ऐसे स्कूल में पढ़ते हैं जो नियोक्ता द्वारा संचालित नहीं है, नियोक्ता की स्कूल नहीं है, कोई दूसरी स्कूल है और वहां पर जो कर्मचारी के बच्चे पढ़ रहे हैं उनके शिक्षा व्यय जो हो रहे हैं, जो पढ़ाई के जो खर्चे हैं उनका भुगतान अगर नियोक्ता द्वारा कर दिया जाए तो ये कर्मचारी के दायित्व का भुगतान ही कहलाएगा। इसके अलावा अगर हम देखें तो जैसे कर्मचारी के कार चलाने के व्यय का भुगतान, कर्मचारी की कार है, कार कर्मचारी की खुद की है और जो कार के चलाने के जो खर्चे आ रहे हैं वो उन व्ययों का भुगतान अगर नियोक्ता ने कर दिया हो। और अगर हम बात करें तो जैसे अगर कर्मचारी ने कोई ऋण लेके रखा है, कोई लोन लेके रखा है और उस लोन की किस्तों का भुगतान अगर नियोक्ता द्वारा कर दिया जाता है तो भी वो कर्मचारी के दायित्व का भुगतान कहलाएगा। अगर कर्मचारी ने कोई नौकर रखे रखा है और उस नौकर की सैलरी जो है वो अगर नियोक्ता चुका रहा है तो भी वो कर्मचारी के दायित्व का भुगतान होगा। यानी कि ऐसा कोई भी भुगतान जो जिसका दायित्व कर्मचारी का है चुकाने का, लेकिन कर्मचारी की जगह नियोक्ता द्वारा भुगतान कर दिया जाता है। ऐसा कोई भी बिल जो कर्मचारी को भुगतान करना था लेकिन उसका भुगतान जो है नियोक्ता ने कर दिया, और ऐसे दायित्व का भुगतान अगर नियोक्ता नहीं करता तो वो कर्मचारी को करना ही पड़ेगा। तो अगर कर्मचारी के दायित्व का भुगतान नियोक्ता कर देता है तो वो अनुलाभ माना जाएगा और भुगतान की गई राशि तक वो अनुलाभ का मूल्य होगा, सुविधा का मूल्य होगा और वो वेतन के करयोग्य आय में जोड़ा जाएगा। अब बात करते हैं तीसरे अनुलाभ की, कर्मचारी के जीवन बीमा या वार्षिकी के लिए चुकाई गई राशि। कर्मचारी के जीवन बीमा प्रीमियम का भुगतान या फिर वार्षिकी अनुबंध के अंतर्गत कोई राशि नियोक्ता द्वारा चुका दी जाती है तो वो जो है अनुलाभ माना जाता है और वेतन की करयोग्य आय में प्रीमियम या फिर वार्षिक अनुबंध के लिए जो राशि चुकाई है उसके बराबर की राशि करयोग्य मानी जाती है वेतन शीर्षक के अंतर्गत। यहां पर हम केवल बात कर रहे हैं कर्मचारी के जीवन बीमा की या फिर वार्षिक अनुबंध के लिए चुकाई गई राशि। अगर नियोक्ता द्वारा कर्मचारी के लिए ईएसआई प्रीमियम का भुगतान किया जाता है, एम्प्लॉय स्टेट इंश्योरेंस जो है कर्मचारी राज्य बीमा
के अंतर्गत अगर प्रीमियम का भुगतान किया जाता है, या फिर कर्मचारी की दुर्घटना बीमा के संबंध में प्रीमियम का भुगतान किया जाता है, या फिर जो चिकित्सा बीमा या फिर उसको मेडिक्लेम कहते हैं, मेडिक्लेम के अंतर्गत अगर कर्मचारी के लिए जो है प्रीमियम का भुगतान किया जाता है, तो ऐसे प्रीमियम का भुगतान जो यहाँ पर ईएसआई के लिए या फिर दुर्घटना बीमा के लिए, चिकित्सा बीमा के लिए अगर प्रीमियम का भुगतान किया जाता है नियोक्ता के द्वारा, तो वो कर्मचारी के लिए अनुलाभ नहीं माना जाएगा और ऐसे प्रीमियम का भुगतान करमुक्त होता है, क्योंकि ये सुविधाएं नियोक्ता अपनी तरफ से कर्मचारी को प्रदान करता है। केवल कर्मचारी के जीवन बीमा के संबंध में चुकाया गया प्रीमियम या फिर वार्षिक अनुबंध के संबंध में चुकाई गई राशि ही जो है अनुलाभ मानी जाती है। चल संपत्तियों का उपयोग, अगर कर्मचारी या कर्मचारी के परिवार को नियोक्ता द्वारा किसी भी प्रकार की चल संपत्ति दे दी जाती है, यानी कोई घरेलू उपकरण है जैसे कोई फ्रिज, टीवी, वॉशिंग मशीन, अगर कोई चल संपत्ति दे दी जाती है, यहाँ पर कंप्यूटर और लैपटॉप शामिल नहीं है, क्योंकि हो सकता है कि नियोक्ता ने कर्मचारी को कंप्यूटर घर पे काम करने के लिए दिया हो, मतलब कार्य से ही संबंधित हो, उस नौकरी से संबंधित ही हो, तो कंप्यूटर और लैपटॉप को छोड़कर अगर कोई चल संपत्ति का उपयोग करने के लिए दिया है, तो उस सुविधा का मूल्य क्या होगा? अगर वो संपत्ति नियोक्ता की स्वयं की है अगर वो संपत्ति, तो लागत के 10% के बराबर। अगर वो चल संपत्ति, चाहे कोई घरेलू उपकरण हो, कोई फर्नीचर हो, कुछ भी हो, अगर वो कर्मचारी को या कर्मचारी के परिवार के सदस्यों को उपयोग करने के लिए दिया गया है और वो नियोक्ता की स्वयं की है, तो उस संपत्ति के लागत के 10% के बराबर सुविधा का मूल्य माना जाएगा। और अगर नियोक्ता ने किराए पर लेके दी है, नियोक्ता द्वारा चुकाए गए किराए की राशि के बराबर, अगर नियोक्ता ने वो संपत्ति किराए पर लेकर अगर कर्मचारी या उसके परिवार के सदस्य को उपयोग करने के लिए दी है, तो सुविधा का मूल्य नियोक्ता द्वारा चुकाए गए किराए की राशि के बराबर माना जाता है। इसी प्रकार चल संपत्तियों का अगर हस्तांतरण कर दिया जाए, अगर किसी प्रकार का कोई घरेलू उपकरण कोई काम में लेने के लिए घरेलू उपकरण या किसी प्रकार की अन्य कोई चल संपत्ति अगर उपयोग के लिए दे दी जाए, उपयोग के लिए नहीं मतलब अगर हस्तांतरण कर दिया जाए, अगर उनको सुपुर्द कर दी जाए, प्रदान ही कर दी जाए चल संपत्ति कर्मचारी या उसके परिवार के सदस्यों को, तब उस सुविधा का मूल्यांकन हम कैसे करेंगे? तो हमको यह देखना पड़ेगा कि वो चल संपत्ति किस प्रकार की है। अगर चल संपत्ति में कंप्यूटर या कोई फिर जो है इलेक्ट्रॉनिक गैजेट है, जैसे कंप्यूटर हो गया, लैपटॉप हो गया, कोई टैबलेट हो गई, किसी प्रकार का प्रिंटर हो गया, अगर ये सारी चीजें हैं, इस प्रकार की कोई चल संपत्ति है जिसका हस्तांतरण नियोक्ता ने किया है कर्मचारी या कर्मचारी के परिवार के सदस्यों को, तब हम क्या करेंगे, उस संपत्ति का मूल्यांकन कैसे करेंगे? कि जो संपत्ति है वो देखेंगे कि वो कितनी पुरानी हो गई है, और जब से संपत्ति खरीदी है तब से लेकर प्रत्येक पूर्ण वर्ष के लिए हम डेप्रिसिएशन लगाएंगे। प्रत्येक पूर्ण वर्ष के लिए अगर मान लीजिए उस कंप्यूटर या कोई गैजेट को खरीदे हुए, इलेक्ट्रॉनिक गैजेट को खरीदे हुए 3 साल 2 महीने हो गए हैं, तो हम जो डेप्रिसिएशन लगाएंगे वो केवल 3 साल के लिए लगाएंगे, और 3 साल के लिए डेप्रिसिएशन लगाने के बाद जो उसका शेष मूल्य बचता है वही सुविधा का मूल्य होगा। तो यहाँ पर प्रत्येक पूर्ण वर्ष के लिए ही डेप्रिसिएशन लगाया जाएगा, वर्ष के किसी भाग के लिए हम डेप्रिसिएशन नहीं लगाएंगे सुविधा का मूल्यांकन करते समय। तो अगर कंप्यूटर और इलेक्ट्रॉनिक गैजेट अगर दिया है कर्मचारी को या कर्मचारी के परिवार के सदस्यों को, तो प्रत्येक पूर्ण वर्ष के लिए 50% मूल्यह्रास लगा दिया जाएगा कर्मागत ह्रास पद्धति से, जो रिटर्न डाउन वैल्यू मेथड है उससे 50% हर साल प्रत्येक पूर्ण वर्ष के लिए मूल्यह्रास लगाया जाएगा। कर्मागत ह्रास पद्धति क्या होती है? जैसे मान लीजिए 100 रुपए की कोई वस्तु है और इस पे मानते हैं कि हर साल 20% डेप्रिसिएशन लगना है कर्मागत ह्रास पद्धति से, तो पहले साल 20% लग जाएगा, 20 रुपए डेप्रिसिएशन लगा दिया जाएगा, फिर वस्तु का मूल्य बचा, शेष जो मूल्य है वो है 80 रुपए, फिर दूसरे साल इस 80 रुपए पर 20% डेप्रिसिएशन लगेगा तो 16 रुपए,
फिर जो वस्तु का मूल्य बचा 64 रुपए। इस प्रकार से कर्मागत ह्रास पद्धति में जो शेष मूल्य बचता है, जो रिटर्न डाउन वैल्यू होती है, उस पर प्रत्येक वर्ष डेप्रिसिएशन लगाया जाता है। तो इस कर्मागत ह्रास पद्धति का उपयोग करते हुए कंप्यूटर या इलेक्ट्रॉनिक गैजेट सुविधा का मूल्यांकन किया जाएगा और प्रत्येक पूर्ण वर्ष में 50% मूल्य ह्रास लगाने के बाद जो शेष राशि बचेगी वही सुविधा का मूल्य होगा। अगर कार दी गई है, चल संपत्ति है, अगर कार के रूप में है चल संपत्ति और उसका हस्तांतरण कर दिया, मतलब कर्मचारी या उसके परिवार के सदस्यों को सुपुर्द कर दिया, पूरी दे दी गई है नियोक्ता के द्वारा, तो उस कार का मूल्यांकन कैसे होगा? कार के मूल्यांकन के लिए भी प्रत्येक पूर्ण वर्ष के लिए, प्रत्येक पूर्ण वर्ष के लिए 20% मूल्य ह्रास लगाया जाएगा, वो भी कर्मागत ह्रास पद्धति से। अब कार के लिए प्रत्येक पूर्ण वर्ष के लिए 20% का मूल्य ह्रास लगाया जाएगा कर्मागत मूल्य ह्रास पद्धति का, और प्रत्येक पूर्ण वर्ष में नए वर्ष का कोई भाग है उसके लिए डिप्रिसिएशन नहीं लगाना। कार के अलावा, कार और कंप्यूटर इलेक्ट्रॉनिक गैजेट के अलावा अगर कोई घरेलू उपकरण दिया गया है, अन्य घरेलू उपकरण अगर ट्रांसफर कर दिया गया है कर्मचारी या कर्मचारी के परिवार के सदस्य को अगर दे दिया गया है, जैसे कोई टीवी, फ्रिज, वॉशिंग मशीन, तो उस पर हम प्रत्येक पूर्ण वर्ष के लिए 10% मूल्य ह्रास स्थायी किस्त पद्धति से, स्ट्रेट लाइन मेथड जो है स्थायी किस्त पद्धति, उससे यहां पर डिप्रिसिएशन लगाया जाएगा अन्य घरेलू उपकरण के लिए। तो हमने ये बात यहां पर ये समझी कि अगर किसी चल संपत्ति का हस्तांतरण कर दिया जाता है नियोक्ता द्वारा कर्मचारी या कर्मचारी के परिवार के सदस्यों को, तो ऐसी सुविधा का मूल्यांकन हम कैसे करेंगे? तो अगर जो चल संपत्ति है वो कंप्यूटर या कोई इलेक्ट्रॉनिक गैजेट है, तो प्रत्येक पूर्ण वर्ष के लिए जब से वो खरीदी है तब से लेके जब ट्रांसफर करी है तब तक के लिए, जो प्रत्येक पूर्ण वर्ष के लिए हम 50% मूल्य ह्रास लगा देंगे कर्मागत ह्रास पद्धति से, और जो शेष मूल्य बचता है वही सुविधा का मूल्य होगा। कार के लिए भी प्रत्येक पूर्ण वर्ष के लिए 20% मूल्य ह्रास लगा देंगे कर्मागत ह्रास पद्धति से, और जो शेष मूल्य बचता है वही सुविधा का मूल्य होगा। और कोई अन्य घरेलू उपकरण है कार और कंप्यूटर और इलेक्ट्रॉनिक गैजेट के अलावा, तो प्रत्येक पूर्ण वर्ष के लिए 10% मूल्य ह्रास लगा देंगे स्थायी किस्त पद्धति से, और फिर जो शेष बचता है वो सुविधा का मूल्य होगा। अब आगे हम बात करते हैं कर्मचारी स्टॉक विकल्प योजना या फिर स्वेट इक्विटी अंश। कई बार नियोक्ता अपने कर्मचारियों को या फिर संचालकों को जो है कंपनी के अंश प्रदान कर देती है किसी कार्य के बदले में, तो उनको स्वेट इक्विटी अंश, कोई विशेष कार्य किया गया किसी कर्मचारी या संचालक के द्वारा, तो जो है स्वेट इक्विटी अंश या फिर जो कर्मचारी स्टॉक विकल्प योजना के अंतर्गत जो है अंश दे देती है, निर्मित कर देती है कर्मचारी को। तो ऐसी स्थिति में जो अंश दिए गए हैं उनका मूल्यांकन कैसे किया जाए? तो जो कंपनी के शेयर हैं, जो अंश हैं, वो दो प्रकार के हो सकते हैं। एक तो अधिसूचित, अधिसूचित का मतलब कि कंपनी के अंश जो कि किसी स्टॉक एक्सचेंज पे मान्यता प्राप्त स्टॉक एक्सचेंज पे वो अधिसूचित है, मतलब लिस्टेड है, वहां पे उनकी ट्रेडिंग हो रही है किसी मान्यता प्राप्त स्टॉक एक्सचेंज पे, या फिर जो है कंपनी के जो अंश निर्मित किए हैं कर्मचारी को वो गैर अधिसूचित है, मतलब वो किसी स्टॉक एक्सचेंज पे लिस्टेड नहीं है, वहां पर स्टॉक एक्सचेंज पे इसकी ट्रेडिंग नहीं होती, जो है कि बिक्री और खरीद का काम नहीं होता। तो अगर अधिसूचित है तो जब स्टॉक मार्केट खुलता है सुबह, तो उसका जिस दिन ऐसे विकल्प का उपयोग किया गया है या फिर जिस दिन अंश निर्मित किए गए हैं, उस दिन हम देखेंगे कि स्टॉक एक्सचेंज पे जब मार्केट खुला तो जो ओपनिंग के समय, जो खुलने के समय जो उसका प्रथम मूल्य था, वो प्रथम मूल्य था उस अंश का स्टॉक एक्सचेंज पे, वो प्रथम मूल्य प्लस जब स्टॉक एक्सचेंज जब क्लोज होता है, बंद होता है, उस समय जो उसका अंतिम मूल्य था स्टॉक एक्सचेंज का, सॉरी शेयर का, क्या होता है कि स्टॉक एक्सचेंज पे शेयर जो है दिन भर थोड़ा बहुत उतार चढ़ाव होता रहता है शेयरों के मूल्य में, तो जिस टाइम खुलता है तब शेयर का मूल्य कुछ अलग होता है, फिर उस अंश का मूल्य दिन भर में कुछ उतार चढ़ाव करते करते लास्ट में जब स्टॉक एक्सचेंज बंद होता है तब इसी एक मूल्य पर, अंतिम मूल्य पर वो क्लोज होता है। तो जो जब स्टॉक एक्सचेंज खुला सुबह तो प्रथम मूल्य क्या था, और जब स्टॉक एक्सचेंज बंद हुआ शाम को
तो उसका अंतिम मूल्य क्या था, इन दोनों मूल्यों का औसत मूल्य ले लिया जाता है और वही मूल्य जो है सुविधा का मूल्य माना जाता है अगर इक्विटी स्वेच्छ इक्विटी अंश अगर कर्मचारी को दिए गए हैं नियोक्ता द्वारा, तो सुविधा का मूल्य होगा अगर अधिसूचित अंश है तो जो औसत मूल्य होगा जिस दिन ऐसा विकल्प उपयोग किया गया है या अंशों का निर्गमन किया गया है उस दिन जो स्टॉक एक्सचेंज का औसत मूल्य होगा वही सुविधा का मूल्य माना जाएगा। और अगर अगर अंश गैर अधिसूचित है, अगर किसी स्टॉक एक्सचेंज पर लिस्टेड नहीं है, तो जिस दिन ऐसे विकल्प का उपयोग किया गया है या फिर जो है शेयर इशू किए गए हैं कर्मचारी को, उस दिन मर्चेंट बैंकर द्वारा जो उसका मूल्य बताया जाता है उचित बाजार मूल्य, वो बाजार मूल्य ही हम सुविधा का मूल्य मान लेते हैं। अब हम बात करते हैं कि अगर कर्मचारी को निशुल्क नाश्ते भोजन या किसी प्रकार के शीतल पेय की सुविधा दी जाए तो इस सुविधा का मूल्यांकन किस प्रकार हम करेंगे, ये भी एक प्रकार का अनुलाभ माना जाता है। हमने बात करी थी कि अनुलाभ में नगद राशि के अलावा कोई भी वस्तु या सुविधा दी जाती है तो वो अनुलाभ मानी जाती है। तो यहाँ पर अगर नाश्ता भोजन या किसी प्रकार का शीतल पेय की सुविधा दी जाती है तो वो अनुलाभ मानी जाएगी। और उसका मूल्यांकन हम कैसे करेंगे, तो यहाँ पर हमको ये देखना पड़ेगा कि ये सुविधा जो है कार्यालय समय में दी है या कार्यालय समय के बाद दी है। तो अगर कार्यालय समय में दी है, कार्यालय समय में अगर चाय नाश्ता दिया जाता है, चाय या कोई हल्का फुल्का नाश्ता कॉफी, अगर ये सारी सुविधाएं दी जाती है तो कर्मचारी के लिए ऐसी सुविधा करमुक्त होती है, ऐसी सुविधा का मूल्य शून्य होता है अगर कार्यालय समय में चाय नाश्ता दिया जाता है। तो अगर कार्यालय समय में भोजन या फिर कोई कोल्ड ड्रिंक शीतल पेय की सुविधा प्रदान की जाती है कार्यालय समय के दौरान, और जो कर्मचारी है वो कहीं दूर दराज क्षेत्र में नियुक्त है जहां पर भोजन उपलब्ध नहीं हो पाता आसानी से, तो ऐसी स्थिति में अगर कार्यालय समय में भोजन की सुविधा दी है और जो कर्मचारी है कहीं दूर दराज क्षेत्र में नियुक्त है तो भोजन और शीतल पेय की सुविधा पूर्णतः करमुक्त होती है। तो यहाँ पर हमने देखा कि कार्यालय समय के दौरान चाय कॉफी नाश्ते की सुविधा सभी कर्मचारियों के लिए पूर्णतः करमुक्त होती है, और भोजन और जो शीतल पेय की सुविधा अगर कर्मचारी दूर दराज क्षेत्र में नियुक्त है तो पूर्णतः करमुक्त होती है। अब अगर कर्मचारी सामान्य कहीं किसी आबादी वाले क्षेत्र में कहीं सामान्य स्थान पर जहां पर सामान्य दशाएं हैं वहां पर अगर नियुक्त है और कार्यालय समय के दौरान उसको भोजन तथा किसी प्रकार के जो शीतल पेय की सुविधा दी जाती है तो ₹50 प्रति भोजन यानी एक टाइम का भोजन ₹50 तक करमुक्त होता है। अगर ₹50 से अधिक उस भोजन का मूल्य है तो जो आधिक्य है वो कर योग्य होता है। तो भोजन की सुविधा ₹50 तक करमुक्त होती है कार्यालय समय के दौरान। अगर यही सुविधाएं चाय नाश्ता या फिर भोजन कोल्ड ड्रिंक की सुविधा अगर कार्यालय समय के बाद दी जाती है तो पूर्णतः कर योग्य होती है। कार्यालय समय के दौरान ही केवल कुछ करमुक्ति दी जाती है, बाकी कार्यालय समय के बाहर अगर बाद में दी जाती है तो ऐसी सुविधा पूर्णतः कर योग्य होती है। अगर कर्मचारी को फूड कूपन दिए गए हैं, मतलब खाने के कूपन दिए गए हैं और कर्मचारी फूड कूपन का उपयोग केवल खाने के लिए ही करता है तो फूड कूपन की सुविधा भी पूर्णतः करमुक्त होती है। चाहे अगला है उपहार वाउचर या टोकन का मूल्य। अगर नियोक्ता द्वारा कर्मचारी को किसी त्योहार किसी उत्सव या किसी ऐसे अवसर पर अगर कोई उपहार दे दिया जाता है या फिर कोई वाउचर या टोकन दिया जाता है जिसके बदले वो उसको कुछ प्राइज मिल जाएगा उपहार मिलेगा, तो ऐसे उपहार की सुविधा का मूल्यांकन कैसे किया जाएगा। तो यहां पर हमको देखना होगा कि उपहार की राशि नगद राशि नहीं होनी चाहिए। अगर किसी त्यौहार पर किसी उत्सव पर या किसी ऐसे जो है कोई खुशी के मौके पर अगर नियोक्ता द्वारा कर्मचारी को उपहार दिया जाता है और वो उपहार अगर नगद राशि में है तो संपूर्ण राशि कर योग्य होती है। अगर नगद में उपहार दिया गया है तो पूरी की पूरी राशि कर योग्य होती है और वेतन की आय में सम्मिलित की जाएगी। अगर नगद राशि के अलावा कोई उपहार दिया जाता है तो गत वर्ष में सभी उपहारों का मूल्य जो है 5,000 तक के उपहार करमुक्त होते हैं। गत वर्ष में ₹5,000 तक के उपहार करमुक्त होते हैं और ₹5,000 से अधिक जो अगर उपहारों का मूल्य ₹5,000 से अधिक है तो अधिक की राशि जो है गत वर्ष में अनुलाभ मान ली जाएगी और कर्मचारी के वेतन में कर योग्य होगी, कर्मचारी के वेतन की कर योग्य आय मानी जाएगी। अगला है अवकाश के दौरान यात्रा पर्यटन आवास एवं अन्य व्ययों का भुगतान या पुनर्भरण।
अगर कर्मचारी अवकाश के दौरान किसी यात्रा पर जाता है, वहां पर घूमता फिरता है और वहां किसी होटल में आवास करता है, रहता है और बाकी के अन्य कोई खर्चे करता है खाने पीने के, तो ऐसे सभी खर्चों का जो वहां घूमने गया है, यात्रा के खर्चे हुए हैं, वहां पर ठहरा है किसी होटल में, ऐसे सभी का भुगतान अगर नियोक्ता द्वारा कर दिया जाता है या फिर ऐसे खर्चों का पुनर्भरण, पहले ऐसे खर्चे कर्मचारी द्वारा कर दिए जाते हैं फिर जो खर्चे हैं उनका पुनर्भरण कर्मचारी को नियोक्ता द्वारा कर दिया जाता है, तो ऐसी सुविधा का मूल्यांकन हम किस प्रकार करेंगे? ऐसी सुविधा का मूल्यांकन हम करने के लिए हम देखेंगे कि अगर ये सुविधाएं अवकाश के दौरान यात्रा, पर्यटन, आवास और अन्य व्यय की भुगतान की या पुनर्भरण की सुविधाएं नियोक्ता द्वारा सभी कर्मचारियों को दी जाती है, तो नियोक्ता द्वारा वास्तविक किए गए व्यय की राशि के बराबर इस सुविधा का मूल्य होगा। अगर ये सुविधाएं सभी कर्मचारियों को दी जाती है समान रूप से, तो नियोक्ता ने वास्तव में कितना व्यय किया है, कितना कितनी राशि का भुगतान किया है या फिर पुनर्भरण किया है, वो जो भुगतान की गई राशि या पुनर्भरण की गई राशि सुविधा का मूल्य मान लिया जाएगा, अनुलाभ का मूल्य मान लिया जाएगा और वेतन की आय में, वेतन शिष्य की आय में, कर्मचारी की आय में ये उसका अनुलाभ का मूल्य जोड़ दिया जाएगा। अगर ऐसी सुविधा सभी कर्मचारियों को नहीं दी गई है समान रूप से, अगर कुछ ही कर्मचारियों को दी गई है, तो हम उस स्थिति में क्या करेंगे, देखेंगे कि अगर इतना ये जो घूमने फिरने का और ठहरने का ये जो खर्चा किया है जितने दिनों के लिए वो यात्रा पे गया था, ऐसे पैकेज का मूल्य कोई एजेंसी अगर करती, किसी एजेंसी के माध्यम से अगर ये पैकेज खरीदा जाता, तो वो बाह्य एजेंसी इसका क्या मूल्य लेती, कितना इसका उसको पेमेंट करना पड़ता बाह्य एजेंसी को, तो उस बाह्य एजेंसी को किए जाने वाले जो है पैकेज के जो भुगतान के बराबर की राशि इस सुविधा का मूल्य होगी कर्मचारी के। अब हम बात करेंगे अगला है क्रेडिट कार्ड सुविधा का मूल्यांकन। क्रेडिट कार्ड जो एटीएम कार्ड होता है, डेबिट कार्ड होता है, वैसा ही एक कार्ड होता है जो बैंक द्वारा अपने जो ग्राहक है उनको दे दिया जाता है और उसमें क्रेडिट सुविधा दी जाती है, साख सुविधा दी जाती है, एक लिमिट दे दी जाती है उसमें कि मान लीजिए बैंक किसी ग्राहक को 50,000 तक क्रेडिट कार्ड की सुविधा दे देता है। अब वो क्या कर सकता है, वो जो ग्राहक है बैंक का, वो 50,000 तक की कोई शॉपिंग, खरीदारी या किसी प्रकार का भुगतान उस कार्ड के माध्यम से कर सकता है, चाहे उसके पास पैसे नहीं हो, बैंक ने उसको 50,000 तक अलाउ कर रखा है। फिर क्या होगा, प्रत्येक महीने उस क्रेडिट कार्ड का बिल आएगा और इस बिल का भुगतान फिर उस जो है बैंक का ग्राहक है जिसको क्रेडिट कार्ड दिया गया है, क्रेडिट कार्ड धारक है, उसको करना होता है। मतलब एक तरह की शॉर्ट पीरियड के लिए ये क्रेडिट फैसिलिटी होती है, क्रेडिट कार्ड के अंदर दी जाती है। तो अगर ऐसे क्रेडिट कार्ड की सुविधा नियोक्ता द्वारा किसी कर्मचारी को दे दी जाती है, तो इस सुविधा का मूल्य क्या होगा कि जो क्रेडिट कार्ड के बिलों का जो भुगतान उसने किया है नियोक्ता ने, कर्मचारी ने जो खर्चा किया है उस क्रेडिट कार्ड से और उसका जो बिल आया है और उस बिलों का भुगतान, उस बिल का जो भुगतान किया है नियोक्ता ने, वो बिल के भुगतान के बराबर की राशि ही इस सुविधा का मूल्य माना जाएगा। क्रेडिट कार्ड लेते समय जो है मेंबरशिप फीस चुकानी पड़ती है, सदस्यता शुल्क दिया जाता है और जो है वार्षिक शुल्क भी इस क्रेडिट कार्ड पर लगता है, तो वार्षिक शुल्क और जो सदस्यता शुल्क वो भी इस सुविधा का मूल्य माना जाएगा। यानी क्रेडिट कार्ड सुविधा का मूल्यांकन करते समय हम देखेंगे कि जो नियोक्ता ने कर्मचारी के बिल का भुगतान किया है वो राशि, और अगर कोई क्रेडिट कार्ड के संबंध में कोई सदस्यता शुल्क या फिर कोई वार्षिक शुल्क चुकाया है वो भी हम सुविधा का मूल्य मान लेंगे। अगर कर्मचारी ये कहता है कि ये जो क्रेडिट कार्ड का जो उपयोग है वो कर्मचारी ने अपने व्यक्तिगत खर्चों के लिए नहीं किया है, केवल कार्यालय के लिए ही उपयोग में लिया है, तो नियोक्ता को क्या करना पड़ेगा, इस बात के लिए जो है खर्चों का लेखा जोखा रखना होगा और कर्मचारी को भी इस बात के संबंध में प्रमाण पत्र देना पड़ेगा कि जो क्रेडिट कार्ड सुविधा दे रखी है उस क्रेडिट कार्ड सुविधा का उपयोग केवल कार्यालय के लिए ही किया गया है, व्यक्तिगत खर्चों के लिए नहीं किया गया। नियोक्ता के यहाँ कोई उच्च अधिकारी है उसके द्वारा भी प्रमाणित करना होगा कि जो क्रेडिट कार्ड के जो खर्चे हैं वो केवल कार्यालय उपयोग के लिए किए गए हैं। अगर ऐसा कर दिया जाता है, अगर उसका उपयुक्त लेखा जोखा कर लिया जाता है उन खर्चों का, अगर कर्मचारी प्रमाण पत्र देता है इस संबंध में कि केवल उपयोग कार्यालय के संबंध में किया गया है, और अगर उच्च अधिकारी भी इसको प्रमाणित कर देता है, तब ऐसी सुविधा का मूल्य शून्य होता है, तब ये माना जाएगा कि इस क्रेडिट कार्ड सुविधा का उपयोग केवल कार्यालय के लिए ही किया है, व्यक्तिगत खर्चों के लिए नहीं किया। तो क्रेडिट कार्ड सुविधा का मूल्यांकन जो क्रेडिट कार्ड के बिलों का भुगतान किया है, सदस्यता शुल्क दे चुका है या कोई वार्षिक शुल्क दिया है, तो उन राशि के भुगतान की राशि के बराबर ही क्रेडिट कार्ड का जो है सुविधा का मूल्य अनुलाभ के रूप में माना जाएगा
और वेतन की आय में जोड़ दिया जाएगा, कर योग्य आय में जोड़ दिया जाएगा। अगला और लास्ट पॉइंट है क्लब की सदस्यता एवं क्लब व्यय का भुगतान। अगर कर्मचारी या फिर कर्मचारी के परिवार के किसी सदस्य ने या सदस्यों ने क्लब की सदस्यता ले रखी है और वहां पे क्लब में जो है खर्चे भी कुछ किए हैं, तो ऐसी सदस्यता और क्लब के व्यय के संबंध में अगर नियोक्ता द्वारा भुगतान कर दिया जाता है तो भुगतान की गई राशि के बराबर ही इस सुविधा का मूल्य माना जाएगा। यहां पर हमको यह ध्यान रखना होगा कि अगर ऐसी क्लब की सदस्यता, अगर क्लब फैसिलिटी जो है नियोक्ता ने सभी कर्मचारियों को समान रूप से दे रखी है, चाहे वो हेल्थ क्लब हो, स्पोर्ट्स क्लब हो या अन्य किसी प्रकार का क्लब हो, तब अगर सभी कर्मचारियों को ऐसी सुविधा समान रूप से दे रखी है तब ऐसी सुविधा का मूल्य शून्य होगा। लेकिन अगर किसी कर्मचारी ने अपने पर्सनल व्यक्तिगत रूप से अगर किसी क्लब की सदस्यता ली है या फिर अपने और वहां पर अगर कुछ व्यय किए हैं और उन व्ययों का भुगतान अगर नियोक्ता द्वारा कर दिया जाता है तब सुविधा का मूल्य भुगतान की गई राशि के बराबर। एक चीज और यहाँ पर, अगर कि कर्मचारी ये बोलता है कि मैंने जो ऐसे जो क्लब के जो व्यय किए हैं और या क्लब का उपयोग केवल कार्यालय उपयोग के लिए किया है, कार्यालय के संबंध में किया है, तो फिर यहाँ पर इसका जो है उचित लेखा जोखा रखना होगा नियोक्ता का, नियोक्ता को इस खर्चों के संबंध में। कर्मचारी को एक प्रमाण पत्र देना होगा इस संबंध में कि केवल जो खर्चे हैं वो कार्यालय के संबंध में किए गए हैं, और जो नियोक्ता का उच्च अधिकारी है उसको भी ये प्रमाणित करना होगा। ऐसी स्थिति में भी फिर इस सुविधा का मूल्य शून्य माना जाएगा। तो ये कुछ अनुलाभ थे जो सभी कर्मचारियों के लिए करयोग्य हैं, और अगर ये अनुलाभ दिए जाते हैं तो इन अनुलाभों का मूल्यांकन कैसे किया जाता है उसकी हमने बात करी। अब अगली क्लास में हम बात करेंगे जो कुछ अनुलाभ जो कुछ विशिष्ट कर्मचारियों के लिए ही करयोग्य होते हैं। तो मैं आशा करता हूँ कि आज की जो क्लास है, आज की क्लास में जो हमने डिस्कस किया वो आपको बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और हमारे इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।